फ्रेडरिक नीचे एक जर्मन दार्शनिक, सांस्कृतिक आलोचक और भाषाशास्त्री थे। फ्रेडरिक नीचे को पश्चिम के महान दार्शनिकों में गिना जाता है। उनकी पुस्तक जरथुस्त्र की वाणी दुनिया की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिनी जाती है। उन्होंने पारंपरिक पश्चिमी मूल्यों और मान्यताओं, विशेष रूप से ईसाई धर्म के प्रभाव और उससे प्राप्त नैतिकता की अवधारणा की आलोचना की। उन्हें उनके विचारों द डेथ ऑफ गॉड, विल टू पावर और लास्ट मैन के लिए भी जाना जाता है। भारत के कवि इकबाल सहित दुनिया भर में बहुत से कवियों की कृतियां नीत्शेवाद से प्रभावित हैं। अपने जीवन के उत्तरार्ध में नीत्शे का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष अपनी बहन एलिजाबेथ फोर्स्टर नीत्शे की देखरेख में बिताए। 1900 में उनकी मृत्यु के बाद नीत्शे के विचारों ने दर्शन, साहित्य, मनोविज्ञान और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। आइए सुनते हैं इस क्रांतिकारी दार्शनिक के कुछ महत्वपूर्ण विचार। कभी कभी लोग इसलिए सच नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। अपने उद्देश्य को भूल जाना मूर्खता का सबसे सामान्य रूप है। सभी चीजें व्याख्या के अधीन हैं। किसी समय कौन सी व्याख्या मान्य होती है, ये शक्ति पर आधारित होता है, सत्य पर नहीं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो जानना चाहते हैं और वो जो यकीन करना चाहते हैं। जब भी मैं चढ़ता हूं, मेरे पीछे अहंकार नाम का एक कुत्ता आ जाता है। संगीत के बिना जीवन एक गलती होगी। दुनिया में मनुष्य को उसकी नाराजगी के जुनून से अधिक और कुछ भी नष्ट नहीं करता है। जिसके पास जीने का कारण है, वह लगभग किसी भी तरह को सहन कर सकता है। किसी युवक को भ्रष्ट करने का पक्का तरीका है कि उसे ये निर्देश दो कि वो उससे अलग सोचने की बजाय उनका खूब सम्मान करे जो उसकी तरह सोचते हों। धारणा असत्य की तुलना में सत्य की अधिक खतरनाक दुश्मन है। बिना भयानक गहराइयों के कोई सुंदर सतहें नहीं है। मुझे केवल एक कागज का एक टुकड़ा और लिखने के लिए कुछ चाहिए और तब मैं दुनिया को उलट सकता हूं। किसी कारण को नुकसान पहुंचाने का सबसे अधर्मी तरीका है उसका जानबूझकर गलत तर्कों से बचाव करना। जो प्रेमवश किया जाता है वो हमेशा अच्छे बुरे से परे होता है। हर एक गहन विचारक गलत समझे जाने की तुलना में सही समझ लिए जाने से अधिक डरता है। हकीकत में केवल एक ही ईसाई था और वह क्रॉस पर मर गया। यह प्यार की कमी नहीं बल्कि दोस्ती की कमी है जो शादियों को दुखदायी बनाती है। जीने का अर्थ है कष्ट सहना। जीवित रहने का अर्थ है कष्ट में कुछ अर्थ खोजना। अपने बारे में अधिक बात करना भी अपने आप को छुपाने का एक साधन हो सकता है। ईश्वर मर चुका है लेकिन मनुष्यों के तरीके को देखते हुए हजारों वर्षों तक अभी भी गुफाएं हो सकती हैं जिनमें उसकी छाया दिखाई देगी। हम जितना ऊंचा उड़ते हैं हम उन लोगों को उतने ही छोटे दिखाई देते हैं जो उड़ नहीं सकते। जो हमें मारता नहीं है वह हमें मजबूत बनाता है। मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं इसलिए दुखी हूं कि अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। महिलाएं भगवान की दूसरी गलती थी। आज भी लोग दो ग्रुप्स में होते हैं, गुलाम और आजाद। जिस किसी मनुष्य के पास दिन का दो तिहाई हिस्सा खुद के लिए नहीं है वो गुलाम है, चाहे वो जो भी हो, एक राजनेता, एक बिजनेसमैन, एक अधिकारी या एक विधवा। जब उसका काम बोलने लगे तो लेखक को अपना मुंह बंद रखना चाहिए।
जो लोग नाचते देखे गए उन्हें जो संगीत नहीं सुन सकते थे उनके द्वारा पागल समझा गया। क्या आदमी केवल भगवान की एक गलती है या भगवान केवल आदमी की एक गलती? हर असली आदमी में एक बच्चा छिपा होता है जो खेलना चाहता है। यूरोप के दो महान मादक द्रव्य शराब और क्रिश्चियनिटी। प्लेटो उबाऊ था। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में हमेशा कुछ कारण होता है। जो कोई भी राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में कहीं वह खुद ही राक्षस न बन जाए। और अगर आप लंबे समय तक खाई को घूरते हैं तो खाई भी आपको घूरने लगेगी। आपका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है। जहां तक सही रास्ते, उचित रास्ते और एक ही रास्ते की बात है, वह मौजूद नहीं है। स्वर्ग में सभी दिलचस्प लोग गायब हैं। हमें हर उस दिन को खोया हुआ समझना चाहिए जिस दिन हमने एक बार भी डांस ना किया हो। मैं उस ईश्वर में यकीन नहीं कर सकता जो हमेशा प्रशंसा सुनना चाहता हो। कोई भी आपके लिए उस पुल का निर्माण नहीं कर सकता जिस पर आपको जीवन की धारा को पार करना है। केवल आप ही उस पुल का निर्माण कर सकते हैं। जब हम थक जाते हैं तब हम उन विचारों द्वारा हमला किए जाते हैं जिन्हें हम बहुत पहले जीत चुके होते हैं। जो सांप अपनी खाल नहीं उतार सकता उसे मरना ही पड़ता है। उसी तरह जो माइंड अपने ओपिनियंस नहीं बदल सकते वे माइंड नहीं रह जाते। मनुष्य सबसे क्रूर जानवर है। विचार हमारी भावनाओं के साये हैं, हमेशा गहरे, खाली और सरल। सच्चा आदमी दो चीजें चाहता है, खतरा और खेल। इसी कारण से वो महिलाओं को सबसे खतरनाक खेलने की चीज के रूप में चाहता है। मौन बदतर है। सभी सत्य जिन्हें मौन रखा जाता है जहरीले बन जाते हैं। अदृश्य धागे सबसे मजबूत बंधन होते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मुझे अपने हाथ जरूर धो लेने चाहिए। विजनरी खुद से झूठ बोलता है, लायर सिर्फ दूसरों से। कोई अपने गुरु का कर्ज ठीक से नहीं चुकाता है यदि वो हमेशा कुछ और नहीं बस एक शिष्य ही बना रह जाता है। यह मेरी महत्वाकांक्षा है कि जो बात लोग पूरी किताब में कहते हैं उसे मैं 10 वाक्यों में कह दूं। प्यार अंधा होता है और दोस्ती अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं एक चीज हूं, मेरे लेख एक और चीज है। बिना अपवित्र हुए दूषित धारा को धारण करने के लिए आपको एक समुद्र होना चाहिए। सच क्या है? सहमत हुआ एक झूठ। एक विचार तब आता है जब उसे आना होता है, ना कि जब मैं चाहता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।